एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो हमने ये अज्यूम किया कि आपके पास m1 m2 दो मासेज हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। जो m1 पार्टिकल है और जो m2 पार्टिकल है, इस पे बाहर से मैंने फोर्स लगाई, कितनी? वन पार्टिकल पे लगाई वन ई, वन ई का मतलब वन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी, और एक्सटर्नल फोर्स ई कौन लगाता है? मैं लगाता हूं, मैंने जाके फोर्स लगाई। इसके ऊपर कितनी लगी? एफ टू ई, टू ई का मतलब टू पार्टिकल पे फोर्स लगी एक्सटर्नल। एफ वन ई और एफ टू ई से ये पार्टिकल अपनी पोजिशन को क्या कर लेंगे? चेंज, हिलेंगे अपनी पोजिशन से, तो सेंटर ऑफ मास भी हिलेगा अपनी पोजिशन से। लेकिन आपस में इनकी इंटरनल फोर्सेज भी थी, एक फोर्स थी एफ वन टू वेक्टर, वन टू को कैसे रीड करना है? एम वन पे फोर्स लगी किसने लगाई? एम टू ने, और एम टू पे फोर्स लगी किसने लगाई? एम वन में। पर इंटरनल फोर्सेज जो होती हैं वो आपस में कैंसिल करती हैं, और आपस ही इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती, लेकिन बाहर से लगी हुई एक्सटर्नल फोर्स दो मासेस की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं, तो उनकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को भी चेंज कर देती हैं। ठीक है यहाँ तक? तो मुझे पता है इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगी जो सिस्टम मूव करवाएगी, सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस को मैंने कंसिडर किया ही नहीं। तो पहला रूल क्लियर है। तो इस पूरे दोनों पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, ये फोर्स इन पार्टिकल को मूव करवाएगी। अब मुझे पता है फोर्स क्या होता है, डी पी बाई डी टी फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और इसकी जगह डी पी बाई डी टी सेकेंड पार्टिकल के लिए। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो डी बाई डी टी, चाहे पी वन को लिख लो एम वन वी वन, पी टू को लिख लो एम टू वी टू, चाहो तो एम वन भी अंदर लिख लेते, एम टू भी इनसाइड ही लिख लो, और डी बाई डी टी को कॉमन निकाल लो, तो क्या बनेगा? एम वन वी वन डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू वेक्टर। तो ये क्या आ गई? ये दोनों पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स आ गई। अब कोई कहता है सर ये तो मुझे पहले ही पता था, मैंने कहा कैसे, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ करने की जरूरत क्या थी, आप मेरे से वैसे पूछ लो कैसे। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसका नाम है एम वन, तो मैंने इससे पूछी थी फोर्स कितनी, ये बोलता है डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन, मैंने उससे पूछा वो बोलता है डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू, डी बाई डी टी ऑफ एम थ्री वी थ्री, डी बाई डी टी ऑफ एम फोर वी फोर, बस मैंने आई डी तो किया है, नेट फोर्स आ गई। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, जितने पार्टिकल्स हैं सबकी इंडिविजुअल फोर्सेस को निकाला और ऐड कर दिया, बस। क्या ये बात क्लियर है? पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कहा इस क्लास की फोर्स निकाल लो, इस क्लास में 35 बच्चे बैठे हैं, मैंने 35 बार ऐड कर दिया, डन। अब किसी ने कहा कि काम करो 200,000 पार्टिकल्स हैं, अब निकाल लो। अब क्या करूँ? 200,000 तक ऐड करूँ सभी पार्टिकल्स से, पूछता रहूँ भाई तेरी फोर्स कितनी, तेरी कितनी, तेरी कितनी, तेरी कितनी, यही करता रहूँ बैठ के, फिर तो हो गया, जिंदगी निकल जाएगी, टोटल फोर्स ना निकलती। बात समझ में आ रही है? पर तरीका तो यही है, आपको इंडिविजुअल फोर्सेस का फैक्टर सम लेना है। अब किसी ने कहा कि इसको छोड़ो, ये टेक्निक तो बिल्कुल सही टेक्निक है, सही है, हम एक आसान तरीका ढूंढते हैं। क्या आसान तरीका है? जितने भी टोटल पार्टिकल्स हैं, चाहे 200,000 हैं, चाहे 2,000 हैं, चाहे 2 हैं, आप उसका टोटल मास ले लो, बस एम वन एम टू करके मत लो, एक एक करके मत फोर्स कैलकुलेट करो, आप क्या करो, आप टोटल मास बताओ कितना, टोटल मास कितना है? एम। और वो मास कहाँ पर एज्यूम करना है, कहाँ पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर इंडिविजुअल m1 m2 मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। मान लो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, सेंटर ऑफ मास, तो एक ही स्टेप में टोटल सिस्टम की फोर्स आ जाएगी d बाई डी टी ऑफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने ये कहा ये एक्चुअल तरीका था एक 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 पार्टिकल्स की फोर्स को कैलकुलेट करने का, पर यह तरीका बहुत लंबा तरीका है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? आप m1, m2, m3 को अलग अलग लेने की बजाय एक ही मास ले लो, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? m। और वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? इमेजिन करो उसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे। तो जब इंडिविजुअल मासेस मूव कर रहे होंगे v1, v2 के साथ, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा v सेंटर ऑफ मास के साथ। तो सेंटर ऑफ मास की फोर्स क्या होगी? टोटल मास जो सेंटर ऑफ मास पे पड़ा है इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि ये फोर्स टोटल मास पे लगी तो ये टोटल फोर्स है। तो यानी कि ये एक आसान तरीका हो गया फोर्स कैलकुलेट करने का। पहला तरीका तो लंबा था हर इंडिविजुअल फोर्स को कैलकुलेट कर करके ऐड करने का, और दूसरा तरीका एक स्टेप में टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एक ही क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं इसमें, दो, एक लंबा तरीका और एक छोटा तरीका। तो अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सही है और सही आंसर देता है, तो ऐसे कैलकुलेट की गई फोर्स और ऐसे कैलकुलेट की गई फोर्स का आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम सेम आना। अगर सेम ही ना आया फिर तो सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला गलत ही हो गया, तो सेम आएगा। इसलिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट, दोनों को इक्वेट किया, डी बाई डी टी से डी बाई डी टी हट गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया एम वन वी वन वैक्टर प्लस एम टू वी टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। बॉक्स में डाल के फॉर्मूला रिमेंबर लिखो, फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड। तो आज के बाद अगर कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें दो पार्टिकल्स हों m1 m2, एक पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो v1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो v2 वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टर पूछी जाए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। याद हो गया फॉर्मूला, क्या सही फॉर्मूला है। अब आगे जब ये पार्टिकल मूव करेगा पहला और दूसरा, तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो इसीलिए v1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, v1 वेक्टर की जगह d बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर, क्योंकि पोजीशन चेंज करेगा r1 वेक्टर, ये तो वेक्टर के अंदर भी किया था v dr बाई डी टी, और ऐसी v2 वेक्टर की जगह d बाई डी टी ऑफ r2 वेक्टर। पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर याद करो r1 वेक्टर था, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर था, और आपकी फोर्स लगने की वजह से पोजीशन वेक्टर क्या हो रहे हैं, चेंज, इसलिए क्या आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर। तो ये स्टेप भी क्लियर है। और सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या था, आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर, तो वी सेंटर ऑफ मास की जगह डी बाई डी टी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसके अंदर वी वन की जगह डी बाई डी टी ऑफ आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर, और यहां पर आर वेक्टर, राइट। नेक्स्ट स्टेप है, सेम स्टेटमेंट है, एक काम करो m1 को इसके अंदर ले जाओ, कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, d by dt of m1 r1 वेक्टर, m2 को अंदर ले जाओ d by dt of m2 r2 वेक्टर, तो d by dt कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है यहां तक, यहां से भी d by dt हट जाएगा, तो r वेक्टर क्या आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस M2। फॉर्मूला याद करो, इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है r1 वेक्टर r2 वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछे, तो फॉर्मूला क्या याद करेंगे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा वाई वन, तो r1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसी r2 वेक्टर में x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसी पोजीशन वेक्टर में x सेंटर ऑफ मास i कैप y सेंटर ऑफ मास j कैप। क्लियर है, आप एक काम करो, इस r1 वेक्टर की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू, r2 वेक्टर की जगह पूरी की पूरी वैल्यू, r सेंटर ऑफ मास की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो ये टर्म आ जाएगी यार सेंटर ऑफ मास, यार वन, ये आर टू। एक काम करो, न्यूमिनेटर में से आई कैप वाली टर्म्स एक तरफ करो, क्या आएगा, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू आई कैप बाई एम वन प्लस एम टू, फिर जे वाली टर्म्स एक तरफ, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू जे कैप। तो सिंप्लीफाई करके ये टर्म्स आ गई। अब एक काम करो, आई का कोफिशियंट आई के कोफिशियंट के साथ कंपेयर करो, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन लेफ्ट और राइट बराबर है, तो x सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, कंपेयर कर लिया, और j का कोफिशियंट j के साथ कंपेयर करो, ये आंसर आ गया, यही प्रूव करना था ना, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास इसके इक्वल है। ये पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो इसके अंदर i का कोफिशियंट x सेंटर ऑफ मास है, इधर से i का कोफिशियंट ये है, तो आप i के कोफिशियंट और i के कोफिशियंट को इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो आंसर, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो आंसर, तो आंसर आ गया ये आंसर। तो इसका मतलब कि अगर आपको, अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है,
अगर आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू गिवन है और आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे सेंटर ऑफ मास के, फिर तो ये फॉर्मूला। अगर आपको आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर गिवन है और पोजिशन वैक्टर पूछ रहे सेंटर ऑफ मास का, तो ये फॉर्मूला। अगर आपको वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर गिवन है और वेलोसिटी वैक्टर पूछ रहे सेंटर ऑफ मास, तो ये फॉर्मूला। और एक और लिख लो, अगर आपको एम वन पार्टिकल की एक्सलेशन दे रहा है ए वन, एम टू पार्टिकल की एक्सलेशन दे रहा है ए टू, तो आप सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी नोट कर लें, सिंपल है।